हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही रीसेंट अनाउंसमेंट जो कि एचपीएससी द्वारा इशू करी गई है फॉर द अपकमिंग एचसीएस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा एचसीएस एग्जामिनेशन 31 मार्च को कंडक्ट होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं अभी रिसेंटली इशू की गई हैं। तो क्या कहती हैं वो इंस्ट्रक्शंस हमें? इस इंस्ट्रक्शंस में हमें बताया गया है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में आ रहे हैं एग्जामिनेशन देने, उन्हें ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो नहीं लेके आने अपने साथ। तो कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड नॉट टू कम इन द एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग आइटम्स और आर्टिकल्स। तो आप ये सब जो चीजें हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में मत लेके जाएं, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो कौन कौन सी चीजें बताई उन्होंने? बताया एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, जैसे कोई नोज पिन है, बेंगल है, या फिर इयर रिंग है, मंगलसूत्र है, हेयर पिन है। तो जनरली जो हमारी जो फीमेल्स हैं वो पहनती हैं ये सब चीजें, तो उनको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी आपको रिलीजियस साइंस एटसेट्रा ऑफ एनी रिलीजन है, कृपया उन्हें अपने साथ मत रखिए। और इसके अलावा आप अपने साथ में कोई बैग, हैंड बैग, पाउच या फिर कोई वॉच भी नहीं, और साथ में पर्स, बेल्ट, वाटर बॉटल कुछ अपने आपको अपने साथ में नहीं रखना है। इसके अलावा कोई आपको बुक्स भी, कोई नोट्स, कोई लूज शीट्स कुछ अपने साथ नहीं रखना। साथ ही साथ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और कैलकुलेटर, टैबलेट्स एक्सेट्रा भी अलाउड नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ये सारी चीजें अपने साथ ना लेके जाएं, वरना हमें वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने एचपीएससी ने क्लेरिफाई किया कि हम जो एग्जामिनेशन है वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो कैंडिडेट्स को इसलिए हम एडवाइज करते हैं कि वो इन रिस्ट्रिक्शंस को ऐसा ना माने कि वो उनके रिलीजन या फिर धार्मिक आस्था से इंटरफेयर कर रही है, उसे इसके साथ ना जोड़ें, बट केवल ये ध्यान में रखें कि हम जो एग्जामिनेशन है उसको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में करवाना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी के पास इनमें से कोई आइटम हुई तो उसे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में आ रहे हैं, उन्हें अपने साथ केवल क्या लेकर आना है, केवल एक बॉल पॉइंट पेन लेके आना है, ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। उसके साथ आपको एक एडमिट कार्ड लेना है A4 साइज पेपर के ऊपर, और साथ में अपना एक आईडी प्रूफ जो कि रखना है हमें ओरिजिनल के अंदर। तो इनमें से आप कोई भी आईडी प्रूफ ओरिजिनल में अपने साथ रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करी। नाउ आई विश ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से जाए, और जो भी हमने डिस्कशन किया है अपना हरियाणा सेक्शन से रिलेटेड एचसीएस के लिए, वो सारा डिस्कशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो और आपको उस सेक्शन को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।